फ्रेंड्स, माय नेम इज विवान एंड आई एम मीटियर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि अरविंद थाने जो है, जिनका जो फाउंडर है, को फाउंडर है, किसके? रैपिडो बाइक्स। रैपिडो क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उनको 75 इन्वेस्टर्स को पिच करा, फिर भी उनको नहीं मिली। फिर उसके बाद उन्होंने कैसे ओला और उबेर को पीछे कर क्या दोस्तों, हाँ, ओला और उबेर को पीछे कर वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जबकि वो बाइक टैक्सी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे फुल केस स्टडी ऑफ रैपिडो। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अभी अरविंद थाने जो थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई कंपनी चालू करते। तो उन्होंने कंपनी का नाम रखा द कैरियर। ये कंपनी नहीं थी पहली, रैपिडो नहीं थी, द कैरियर उनकी फर्स्ट कंपनी थी। वो क्या करती थी, द कैरियर बोलती थी कि आप जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, ठीक है ना, आप अपना ट्रक ले लो और फिर जो भी आपको छोटी मोटी चीज़ें स्टफ चाहिए वो सब आप अपना खुद का ट्रक आप बाय कर सकते हो, ऐसा था उनका। पर वो ज़्यादा चला नहीं, इसलिए उनको जो है वो बिजनेस को बंद करना पड़ा। फिर भी जब अरविंद जो है, ये अरविंद, तो अरविंद थाने जो है इसके कोफाउंडर, तो उन्होंने अपने दो कोफाउंडर उनके दोस्त हैं, तो उनसे मिलने जा रहे थे। वो किधर मिलने जा रहे, घर मिलने जा रहे थे। तो उन बीच में वो ट्रैफिक में फंस गए, क्योंकि वो बेंगलुरु में रहते थे। अगर आप बेंगलुरु में रहते होंगे तो आपको मालूम ही होगा कि उधर बेंगलुरु में कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ठीक है दोस्तों। तो उधर ट्रैफिक रहता है बेंगलुरु में, तो उधर वो भी ट्रैफिक में फंस गए। तो उन्होंने सोचा कि ओला और उबेर, या खुद टैक्सी लो, ओला हो या उबेर की, या खुद की गाड़ी लो, ट्रैफिक में तो फंसोगे। और दोस्तों देखिए, ट्रैफिक में सांप के जैसे तीन ही चीज़ें निकल सकती है, साइकिल निकल सकती, बाइक निकल सकती, स्कूटी निकल सकती। तो उन्होंने सोचा स्कूटी का बिजनेस नहीं चालू करते, साइकिल का बिजनेस नहीं चालू करते, रैपिडो बाइक टैक्सी चालू करते। तो जब से उनको आइडिया आया रैपिडो, तो जब उन्होंने रैपिडो स्टार्ट करी, शायद से उसको हो गए होंगे 4 साल, 2018 के अंदर, और ओला और उबेर कितने सालों से, और ये भी IITian थे, IIT अहमदाबाद के, IIT के ये अरविंद थे, IIT अहमदाबाद के, और IIT दिल्ली के उनके दो फ्रेंड्स थे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको चाहिए, अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ ही साल में ओला और उबेर को पीछे, बिल्कुल पीछे छोड़कर कर दिया। अभी हम समझेंगे इनकी 5 स्ट्रेटजीज। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बाइक टैक्सी चालू करी, ओला और उबेर का माइंड चकरा गया कि ये रैपिडो कहाँ से आ गई। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमारे पास फंडिंग, अभी इसको बम एक्सप्लोर करते हमारा। तो कौन सा बम एक्सप्लोर कर, बताता हूँ। उन्होंने अभी बाइक में आ गए। तो दोस्तों अभी उनके लिए तो आप सोच होंगे अच्छा टाइम भी चल रहा होगा, पर दोस्तों जब कोई कंपनी ग्रो होती है ना, जब हर अच्छे टाइम आते हैं, उनको किसी ने फंडिंग देना चाहे, कौन बताओ, हीरो होंडा साइकिल्स जो है उसके CEO ने उनको अपने पर्सनल फंड से कुछ मिलियन रुपए दिए, उनको मिलियन डॉलर दिए उनको, तो फिर उनको फंडिंग मिल गई। फिर उन्होंने एक एडवाइस दी, डोंट फोकस ऑन केक्स, फोकस ऑन पेस्ट्रीज। मतलब क्या हुआ दोस्तों, डोंट फोकस ऑन केक्स एंड फोकस ऑन पेस्ट्री, क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका मतलब है कि केक्स मतलब बड़ी जगह, टीयर वन मतलब मालूम बेंगलुरु मुंबई ऐसी बड़ी बड़ी जगह, ठीक है ना, बेंगलुरु मुंबई ऐसी जगह। तो टीयर वन में तो केक्स में किसने हैंडल करा, जैसे कि कोई बच्चा, कोई बर्थडे पार्टी रहती तो बच्चे लड़ते कि मुझे केक खाना है,
अगर आप 7-8 पीस में काट दोगे तो फिर वो पेस्ट्री हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वही उसने करा कि जो भी छोटी छोटी टीयर वन तो ओला उबेर को दे दिया उन्होंने, टीयर टू टीयर थ्री में इतना ओला उबेर को आने ही नहीं दिया, मानिए दोस्तों आने ही नहीं दिया ओला उबेर को, ठीक है। तो उन्होंने ओला उबेर को आने नहीं दिया, इसकी वजह से उनका जो बिजनेस है वो ग्रो होने लगा। अभी हम लोग समझते हैं इनकी 5 स्ट्रेटजी। फर्स्ट स्ट्रेटजी दोस्तों ये देखिए, उनको इन्होंने एडवाइस दी, उधर से ही फर्स्ट स्ट्रेटजी आती कि उन्होंने टीयर टू टीयर थ्री में देखा कि उधर लोगों के पास ओला और उबेर जैसी बड़ी कंपनीज को पैसा देने का नहीं है, उनकी सारी जेबी खाली हो जाती थी उससे एक टैक्सी से। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि लोग बस और ऑटो को ज़्यादा प्रेफर करते क्योंकि वो सस्ती होती है, उनकी उन मिडिल क्लास लोगों के हिसाब से वो सस्ती होती है और लोअर मिडिल क्लास भी, तो उनके लिए सस्ती होती है ये ऑटो वगैरह ले लेते। तो उन्होंने सोचा कि अभी हम लोग बाइक राइडिंग वो भी बहुत ही कम रेट, ऑटो जितनी रेट बस जितनी रेट में कर दे तो हमारा बिजनेस तो बढ़ जाएगा। उन्होंने वही करा और उनका बिजनेस बहुत तेज बढ़ा, ओला और उबेर को बाय बाय बोलकर टाटा बाय बाय बोलकर छोड़ दिया पीछे। तो दोस्तों उसके बाद सेकंड स्ट्रेटजी क्या है कि ये सब तो ठीक है पर एक्सीडेंट हो तो उसका क्या करें, बाइक्स में बहुत एक्सीडेंट होता है। तो दोस्तों देखिए कोई भी अगर बाइकर वो फुल स्पीड में बूम 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 चलाता है फुल स्पीड में तो उसको अलर्ट आ जाता है क्योंकि वो जो है जो हेड है उनके वो देखते रहते कि अच्छा ये वाला बाइकर इधर आ रहा है ये वाला बाइकर इधर आ रहा है, हाँ ठीक है तो ट्रैक कर लेते वो लोग, ठीक है ना। तो अगर उनकी जो स्पीड है वो 60 से ऊपर गई, मतलब जैसे कि हाईवे पे तो चलेगा पर अगर नॉर्मल रोड पे है 60 की स्पीड तो कैसे चलाएंगे, अलर्ट आ जाता है, ठीक है दोस्तों अलर्ट आ जाता है उनको। फिर थर्ड स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों बताऊं? तो दोस्तों इनकी थर्ड स्ट्रेटजी है कि अगर रैपिडो का कोई भी नहीं है तो फिर आप एक स्नूज बटन होता है, स्नूज बटन दबाया 10 मिनट में कैसे भी करके कोई बाइकर आ जाएगा रैपिडो का, ठीक है दोस्तों। तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस को जो है वो लेने के लिए ग्रैप करने के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ये इनकी बहुत ही अच्छी टेक्निक है दोस्तों। इसके बाद फोर्थ टेक्निक क्या है, ये लोग इनके साथ बाइकर्स जो होते हैं इनके साथ चिपके हुए क्यों होते हैं। फर्स्ट तो है कि इनको कैप्टन बोला जाता है, कैप्टन ऑफ रैपिडो, उनको लगता है कि बाइकर्स को लगता है कि हम कैप्टन बन गए कैप्टन, इसको हमने कैप्टन ऑफ रैपिडो बोला जाता है, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों 20% इंसेंटिव रैपिडो भी देते हैं ओला और उबेर के जैसे, पर लोग उनको अवार्ड देते हैं, उनको इंसेंटिव कभी कभी ज़्यादा दे देते हैं, बोनस दे देते हैं अगर उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस कस्टमर बिहेवियर को अच्छा करा तो उनको ज़्यादा देते हैं। और उनके यहाँ लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग जॉब करते जिनको कि हर दिन कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए होता है, इसलिए उनके साथ स्टिक रहते हैं और उनको मालूम है कि अगर अलर्ट का मोड आ गया तो फिर या स्नूज का अलर्ट आ गया तो हमारी जो सैलरी वो लो हो जाएगी, इसलिए वो कस्टमर बिहेवियर जो है वो जॉइंट रखते हैं। और दोस्तों अगर आपको अभी अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को अच्छा कस्टमर अच्छा बिहेवियर दो, अच्छा फ्रीडम दो, अच्छी चीज़ें दो जिससे कि वो खुश रहे आपकी जॉब करने के लिए और वो कस्टमर बिहेवियर को कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छा बनाएंगे। इसके बाद फिफ्थ स्ट्रेटजी क्या है दोस्तों, फिफ्थ स्ट्रेटजी है दोस्तों कि आप जैसे कि अगर फिफ्थ स्ट्रेटजी है कि अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है ना तो आपको एक चीज़ करनी पड़ती है कि जैसे कि पेस्ट्री और केक का बढ़ाया था ना वैसे ही आपको जो है अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटर्स जो है वो कोई मार्केट में बैठे हुए तो फिर आपको उस मार्केट में जाकर बिल्कुल देखना है कि क्या है, फिर उससे बाहर आ जाओ फिर रिसर्च करने देखो, फिर देखो कौन सा मार्केट उधर अच्छा, अगर थोड़ा थोड़ा सा स्क्रू फिक्स होता है ना स्क्रू वैसा थोड़ा थोड़ा छेद करते जाओ
फिर उसको ढक दो अपने मार्केट से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके जो कैप्टन हैं वो कितने हैं, 15 लाख। उनके कस्टमर कितने, 1.5 करोड़। ठीक है ना। और तो जो रैपिडो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों मैं आपको 2-3 लर्निंग्स बताना चाहता हूँ पेस्ट्री और केक के, जैसे ही मैं आपको एक है तो वो हो गई लर्निंग कि आपको भी देखना है कि आपका पेस्ट्री किधर है और केक किधर है। आपको केक पे फोकस करना है, पेस्ट्री पे करना है फोकस। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों सेकेंड लर्निंग है कि अगर आप जो भी बिजनेस करते हो उसमें जो है आपको देखना पड़ता है कि आपका कस्टमर बिहेवियर कैसे आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना, जिससे कि आपका जो है आप उनको पाथ देख, आप कस्टमर बिहेवियर जोड़ सको, वो भी आपको देखना होता है अपने बिजनेस में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को भी हेल्प कर सकता है तो शेयर करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।